गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो आप तो आज सोच रहे होंगे कि इंट्रो पे आज मैं क्यों हूँ और मोहित भाई कहाँ हैं हमारे। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, आज है उनका बर्थडे और यहाँ पर कनक का काम इतनी ज़ोर शोर से चल रहा है कि अभी तक भाई खेत में है और वो हमको काफ़ी कॉल्स कर रहे हैं, वो फिर भी हम उनसे कुछ बताया नहीं है क्योंकि उनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ देंगे अभी। तो मैं और मेरे साथ है रुपेश, हम दोनों भी खेत पहुँचे हैं और यहाँ पास में ही मोहित भाई भी है, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा रहेगा। तो मैं उनके लिए लेके आया हूँ केक, मैं रुपेश देख सकते हो, वो भी चलते हैं और उनको देखते हैं सरप्राइज। चलो चलते हैं मोहित भाई के पास, उनका रिएक्शन कैच करते हैं। एकदम चुप, क्या ही बात है गाइस। सरप्राइज हो गया इस टाइम में टोटली, क्योंकि बर्थडे था बट इतना, क्योंकि सुबह से खेतों के काम में घुसे पड़े हैं तो भूल ही गए थे यार बर्थडे। अभी भी रात के 8 बज चुके हैं और दिन में रेस्ट करी थी थोड़ी। अब रात कॉल्स भी बहुत सारे आए थे भाई के, मैंने अपने भाइयों को बोला था कि यार थोड़ी हेल्प करा जाना मेरी, बिकॉज खेतों का काम होता है थोड़े दिन का ही होता है, 5-6 दिन का, बट यार डे ना यानी पूरी बैंड बज जाती है खेतों के काम में। तो मैंने बुलाया था और भाइयों ने पूरा इज्जत सम्मान दिया है, आए हैं और वो भी केक वगैरह लेके, वो भी खेत। तो यार फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है अपने, हमने कहीं नहीं देखी होगी। और वैसे केक वगैरह मैं कम ही काटता हूँ, सेलिब्रेट कम ही करता बर्थडे, बट चलो भाइयों ने अपने भाई अभी अपने सरप्राइज यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने सोचा चलो मोहित भाई का बर्थडे, उनको भी याद रहेगा कि हाँ इस। तो यार आज तो मतलब कि सरप्राइज ही हो चुके हैं हम, तो सही है। अभी बाकी भी केक और उसके बाद हम गाइस करेंगे काम और यहीं पे खाना भी खाएंगे हम और भी एंजॉय करेंगे, काम भी करेंगे। तो आज हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन यही है खेतों में और फुल नाइट आज हम काम करने वाले हैं। और आज का यानी काफी जहर व्लॉग बनेगा यार, सरप्राइज व्लॉग है मेरे लिए। एक्चुअली मेरा इतना वो था नहीं, इतना मेरे को पता कि इतना ज्यादा सेलिब्रेट हो जाएगा। मैंने तो खाली अपनी यानी बुलाए थे यहाँ पे, बट मुझे नहीं पता था कि फुल तैयारी के साथ आएंगे ये लोग। तो चलो ठीक है, फिर अब आए हैं तो बताओ आगे क्या करें फिर। गाइस अभी हम केक काटेंगे और क्या, सबसे पहले तो यही काम करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे हमारे रुपेश भाई और मैं और मोहित भाई फिर से अपनी ड्यूटी पे आएंगे सुबह से करें उनका साथ देंगे। गाइस मैंने काट चुका हूँ पूरी, अभी ड्रेसिंग करने को रही है, बाकी भाई की भी हेल्प करनी है ताकि जल्दी से यहाँ से फ्री होके हम कहीं आपको नए अच्छी जगह लोकेशन पे जा पाए हम कहीं। गर्मियाँ काफी हो चुकी है दिन में, यानी नहीं लग सकते यार खेतों में, बहुत ज्यादा गर्मी है इस टाइम खेतों में, तो इसलिए रात को प्लान किया था रात को। तो करते हैं हम केक कट, तो वही दिखा दो केक तो क्या लाए हो आप ब्लॉग में हमारे साथ। देखो यार ये ना एक्चुअली क्लोज होके दिखाओ जरा, क्लोज क्लोज एक्चुअली रोड से काफी दूर है खेत, तो फिर पहुंचते इसका ये हाल हो गया था भाई। कैंडल और माचिस भाई, कैंडल्स तो हमारी रह गई हैं और आज की कैंडल हमारी यही है। oh, no. देख सकते हो इसी के लिए तो सारी मेहनत है, बनाएंगे हम कैंडल आज गाइस। और ये है मैच बॉक्स, चलाओ ना जलेगी ना, देखते हैं गाइस। oh, no. Happy birthday to you. खेत में काट लेंगे अभी यहाँ पे, हमारे लिए यही 5 स्टार है इस टाइम। रुपेश भाई आप आ जाओ ना यार, कोई नहीं भाई बैठे रहो आप, चल चल चल। वाओ बर्थडे सेलिब्रेशन भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर अपना अमेजिंग फीलिंग बर्थडे सेलिब्रेट करके, कैसा लग रहा है आपको?
हाय गाइस, अच्छा लग रहा है? जाओ वापस, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये तो जरूरी है, अमेजिंग फीलिंग। तो अभी हम थोड़ा केक एंजॉय कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं खेतों का काम स्टार्ट, और मिलते हैं आपको लास्ट, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हमारा डिनर भी तैयार होगा ना, लेके आए हो ना? हाँ, डिनर भी बनेगा, रुपेश भाई बनाएंगे, पहले बता दिया हमने। अभी हम थोड़ा देर केक खा लेते हैं। आ जाओ केक खा लो, कैमरा भी साइड में, खाना पीना। कैसा लगा गोरी पाड़ा? नमस्ते ना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप अपने मनोज भाई फुल टू फुल जोश में, कटाई होती हुई, धूप नहीं है रात को, अमेजिंग फीलिंग है। मैं और मनोज भाई यहाँ पे कर रहे हैं कटिंग, आप देख सकते हो। और अभी आपको आगे लेके जाता हूँ अपने रुपेश भाई के पास। यहाँ पे हमने लाइट लगाई हुई है ताकि हमको रोशनी रहे और हमको दिखता रहे। और इस साइड को अपने रुपेश भाई बना रहे हैं खाना, चिकन यहाँ देख सकते हो, बिनर बिनर चिकन, टमाटर प्याज, और खाना बन रहा है बिल्कुल ध्यान से बना रहे हैं हम, थोड़ा खेत से दूर, बिकॉज इस टाइम है गर्मियों का मौसम और काफ़ी सूखा होता है, तो आग वगैरह कोई नुकसान भी ना हो, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे खाना भी तैयार हो रहा है हमारा। बट भाई तो सैलेड वास्ते देख सकते हैं यार, मतलब कि क्या ही अमेजिंग, आज बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब कि साथ में काम भी हो रहा है और फुल टू फुल यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेशन हो रहा है। बाकी भाई लोग अपने चपातियाँ वगैरह घर से ही लेके आए हैं और चिकन हम यहीं तैयार कर रहे हैं अपना। तो चलो बताते हैं आपको भी आगे का। आग में तो लग गया, मैं जाता हूँ चिकन खाने का, आग वाले चिकन कुछ अलग फ्लेवर देते हैं। गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 एंड हमारे भाई लोग लगे हुए हैं अभी भी खेत काटने, अभी तक डिनर नहीं हुआ है और डिनर भी करेंगे, बट अभी कुछ टारगेट है हमारे वो पूरा करके। हमारे मोहित भाई को देख सकते हो आप। हेलो। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है भाई साहब? भाई इस टाइम तो अमेजिंग फीलिंग आ रही है कटिंग की रात को, यानी कि मैं क्या ही बताऊँ, दिन में काफ़ी धूप और गर्मी होती है और इस टाइम यानी कोल्ड है एकदम, और अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा वो है कि अभी सूखी है तो थोड़ा हमको बांधने में दिक्कत आ रही है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कर ले रहे हम लोग। और बाकी आज टारगेट है एक ये खेत का और एक और हम खेत कर दे और सवेरे मम्मी सरप्राइज हो जाए कि हमने रात को काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया, बिकॉज दिन में हमको टाइम इतना नहीं लग पाता है, आगे पीछे जाना पड़ता है कहीं कहीं। तो चलो करते हैं ट्राई, अभी रात अपने में ही है और अभी रात के क्या टाइम हुआ है? 10:30 हो चुके हैं, तो अभी होप है 12-1 बजे तक कंटिन्यू करें। बाकी हम अपना सब लेके आए हैं, बिकॉज यू नो वी आर ट्रैकर्स एंड अ प्रोफेशनल, सो यानी ट्रैकिंग का हमारा इक्विपमेंट सारा हमारे साथ ही रहता है, लाइक टेंट वगैरह एंड, तो फिर हम स्टे आज यही करेंगे, फिर मॉर्निंग में ही जाएंगे। तो अभी आप देखो यार रात में कैसा है, चारों तरफ जंगल ही हमारे इस टाइम, और काफ़ी जंगली जानवर भी होते हैं, बट फिर भी हम लगे हैं डटे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम अभी कंटिन्यू करते हैं अपना काम। सो गाइस यहाँ पर हमारे रुपेश भाई भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो फुल ईमानदारी से। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा बर्थडे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा भाई हमारा, अच्छे प्रकार से हम गेहूं काट रहे हैं, क्या मजा आ रहा भाई। नाइट का एक्सपीरियंस भाई आपने कभी नहीं किया होगा मेरे को लगता है, आई थिंक सो, बट नाइट का एक्सपीरियंस लग गया, बहुत मजा आ रहा भाई। तो गाइस आप देख सकते हो मोहित भाई का बर्थडे किस तरह से मनाया जा रहा है यहाँ पर अभी। तो मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक कर लेते हैं काम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। सो फ्रेंड्स अभी हमारा टेंट लग रहा है यहाँ पे, अपने मनोज भाई लगा रहे हैं और अभी मैं भी हेल्प करूँगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
खेतों के एकदम बीचों बीच हमारा टेंट लग रहा है और अपने रुपेश भाई को आ रही है नींद। तो अभी हम टेंट लगा रहे हैं, बस थोड़ी सी बची हमको काटने को, अभी आधे घंटे का काम है और देखते हैं कैसे क्या बनता है। बाकी जिसको नींद आ रही है वो यहाँ पे सो सकता है, बाकी हमारी नाइट आज यहीं पे है स्टे। तो अभी हाँ तो अभी हम टेंट लगा लेते हैं, टेंट पिचिंग कर लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा यहाँ पे टेंट पिच हो चुका है, आप देख सकते हो। और अपने रुपेश भाई यहाँ पे सो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो हम भी अभी थोड़ी कटिंग वगैरह करके फिर यहीं सोएंगे आज, और मॉर्निंग में देखते हैं बाकी क्या बनता है। तो अभी हम करते हैं थोड़ी बहुत कटिंग, फिर उसके बाद सोते हैं। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, सुबह होगी एंड रात को यार हम काफ़ी लेट हो गए थे, यानी 2 बज गए थे हमको ढाई सोते सोते। तो अभी सुबह 5 हो चुके हैं और रात को नींद का यार होश नहीं होगी, थक गए थे फुल नाइट। तो अभी इस साइड देख सकते हो आप, दिखा रहे थे ये रुपेश के हिस्से की बची हुई है, रात को सो चुका था क्योंकि बड़ी जल्दी हम चालू हो गया, 7 बजे को भी लगना ही पड़े हैं। अब हम जल्दी जल्दी काट लेते हैं ये वाला और फिर चलते हैं घर, देखते हैं उसके आगे का होगा। फ्रेंड्स अभी हमने कटाई यानी कर ही लिया, ऑलमोस्ट 2-3 खेत बचे थे, एक तो हमने काट दिए, अभी एक अद्धा बचा है, अभी देखते हैं वो घर वाले कर लेंगे। और बाकी यार कल बर्थडे काफ़ी सरप्राइज रहा, अपने भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ दिया और साथ में पूरी हेल्प भी करी, सपोर्ट भी करा हमने रात को, यानी कटाई वगैरह भी कर ली तो फ्री भी हो गए जल्दी उस करके। तो फिर अभी तो हम थक चुके हैं यार रात के, तो अभी देखते हैं घर जाएंगे, थोड़ी रेस्ट वेस्ट करेंगे और फिर अभी फ्री होते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं एक नए ट्रैक और नई लोकेशन के साथ। एंड फिर अगेन थैंक यू सो मच अपने भाइयों, इतना अच्छा फील दिलाने के लिए और इतना अच्छा बर्थडे को सेलिब्रेशन के लिए और इन मोमेंट्स को यादगार बनाने के लिए। तो फिर लेते हैं आपसे विदा गाइस एंड बाय बाय एंड टेक केयर।